दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जो हमारे को दूसरी वैक्सीनेशन लगेगी COVID-19 की, उसके लिए हम SMS हॉस्पिटल जा रहे हैं। आज पूरा परिवार ही जा रहा है वहाँ लगवाने के लिए। 28 दिन हुए, तो 4-5 दिन हो गए, लेकिन थोड़ा हम लेट हो गए। लेकिन अब चलिए चलते हैं, कोई बात नहीं, लेट आए दुरुस्त हुए। पैंडमिक बहुत तगड़ा है, रोज़ आदमी एक के बाद एक जा रहे हैं, काफ़ी जानकार भी जा रहे हैं। इसके कारण थोड़ी जल्दी है कि अब हम लोग जा कर के लगवाएं जल्दी से जल्दी। दोस्तों इस कमरे में वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ मोबाइल नंबर भी दे रखा है, देखिए आपको। अब मैं आपको कमरे के अंदर लेके चलता हूँ जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यहाँ रजिस्ट्रेशन चल रहा है। यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, आपको आपका आधार कार्ड देना पड़ता है या आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड देना पड़ता है। और अगर आप दूसरा डोज लगवा रहे हैं तो उस पर सेकेंड डोज लिख करके इनके पास देते हैं, फिर ये एक वहाँ से आपको स्लिप देते हैं, वो स्लिप लेकर के आप लोग अंदर जाते हैं, फिर आपको इंजेक्शन लग जाता है, वैक्सीनेशन लग जाता है। एक पर्ची मिली है हमको, अब पर्ची लेकर के मैं अंदर जा रहा हूँ। देख रहे आगे आ जाओ चाची, आगे आ जाओ। ये हम देख रहे अंदर जा रहे हैं, पहले भी मैंने आपको दिखाया था पिछली दफा वैक्सीनेशन के लिए। ये जूते चप्पल यहीं खुलवा लेंगे मेरे, फिर यहाँ जो चप्पल पड़ी है वो पहनिए और अंदर जाइए। जूते मैंने खोल दिए हैं, ये सैनिटाइजिंग यहाँ हो रहा है। ये मेरी चाची आ गई है दिद्रे, अब हम दिद्रे वैक्सीनेशन के लिए वेट करके निकलेंगे अंदर। चंद्रकला बाबा जी के देखिए तो दूसरी डोज लग रही है, कुछ सेकंड में ही लग जाती है। इक्कीस हाथ में लगवानी पड़ेगी, फर्स्ट है क्या आपकी? नहीं दूसरी है। मैं तो डरपोक हूँ साहब, देखो सच बताऊँ आपको, आ रही है फोटो मेरी? आ रही, आ रही बेटा। अरे बेटा मैं समझता हूँ, देखो सच बताऊँ आपको, करवा लो लगा लो, मैं तो एक दिन के लिए आती हूँ लेटर लिखने के लिए। वो तो पर्सनल, वो लगाने में नुकसान क्या है? थैंक यू बेटा, मैं यही कह रहा हूं, लगा दो मेरे हम तो लगा देंगे, बाकी गाइडलाइन ये अपने को मना नहीं है। एज नहीं, 54 है ये जो बता तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरा नंबर मोबाइल नंबर? वो वहाँ लिख दिया ना रजिस्ट्रेशन के पास होगा, वहाँ लिखवा दी। तो वो आप लोगों के कैसे? अरे इनके कोविड, अच्छा 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 अच्छा, ये कोविड टेस्ट तो है नहीं। चाची जी के लग गया, लगते हैं आपके यहाँ पे रोज? सर आज जैसे कितने लगेंगे? आज अभी लग गए 60 और 53। अच्छा। 18 प्लस वालों के तो 60 लग गए हैं। अच्छा। और 45 प्लस वालों के 53 लग गए अभी। 63 लग जाए, रोज लगते हैं अपने इतने? रोज हाँ। कितने टोटल कितने लगते हैं अपने यहाँ? 192 तो 18 प्लस वालों के लगे, और 107 107 45 प्लस वालों वो लग चुके अभी तक। ठीक है बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या बात, ये बच्ची तो कचरा आ गया। नहीं हटा दो तो कोई दिक्कत नहीं, हटा दो हटा दो। तो मैं तो ऐसे ही लेता हूँ, मैं क्या यूट्यूबर हूँ तो मैं डालता हूँ? नहीं वो सब फास्ट लगा रहे ना। अरे सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, अरुण भाई साहब अपनी बारी का इंतजार करते हुए अरुण भैया को डोज लगती हुई है। सेकंड वैक्सीनेशन की डोज अरुण भैया के लगती हुई है, ये लग गई इनको डोज। सर्टिफिकेट में आप लोगों के नाम भी आते हैं हमारे उसके अंदर? वो जिनके नहीं दे रखे हैं उनके आते हैं, हम सबके नहीं आते। अच्छा, करा के मैं वैक्सीनेशन करा के वापस जा रहा हूँ। ये देखिएगा यहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है। दोस्तों मैं वैक्सीनेशन लगवा करके बाहर आ गया हूँ, और देखिए आप पीछे जो लोग आ रहे हैं ये भी वैक्सीनेशन करवा करके आ रहे हैं।
और वैक्सीनेशन आराम से हो गया, 2-4-5 सेकंड लगे थे, आपने भी देखा होगा फोटो के अंदर, फटाफट वैक्सीनेशन हो गया और वैक्सीनेशन करा करके मैं वापस बाहर आ गया हूँ। और आपको पूरी जानकारी मैंने दी वैक्सीनेशन की, कैसे वैक्सीनेशन लगता है, कितनी देर इसमें लग जाती है, क्या प्रोसेस है। एसएमएस द्वारा घर पे हमको आ जाएगा कि आपका सक्सेसफुली वैक्सीनेशन हो गया है, और हम उसको पोर्टल पे जाके खोल लेंगे और खोल के हमारा सर्टिफिकेट हमारे पास आ जाएगा 5-7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है दोस्तों, आज का यह व्लॉग यहीं ख़त्म करके जल्दी आपसे नए व्लॉग में मिलने का वादा करता हूँ। आपका दोस्त आशीष पारिक, नमस्कार।